नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। केरला में रमजान और रामनवमी को लेकर ड्रोन का पहरा, सीओ ने 5 किलोमीटर दायरे में परखी गतिविधियां, शोभा यात्रा रूट का भी किया जायजा। केरला क्षेत्र में रमजान और रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। सीओ ने प्राचीन देवी मंदिर तालाब पर पहुंचकर ड्रोन कैमरे से नगर में 5 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियां परखी है। इस दौरान शोभा यात्रा पर रूट का भी जायजा लिया गया है। सीओ ने रूट में अधिक नीचे झुकी विद्युत लाइन के संबंध में विद्युत विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। केरला क्षेत्र अधिकारी अमरदीप मौर्या नगर स्थित प्राचीन देवी मंदिर तालाब के किनारे पहुंचकर जहां उन्होंने आगामी पवित्र माह रमजान उल मुबारक और रामनवमी के पर्व को लेकर ड्रोन कैमरा चलवा दिया। ड्रोन कैमरे के माध्यम से आकाश में करीब 5 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियां परखी गई। वहीं रामनवमी पर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा के रूट को भी जायजा लिया गया। इस दौरान देखा गया कि कहीं शरारती तत्व द्वारा मकानों की छतों पर कहीं कोई उपद्रव सामग्री एकत्रित तो नहीं की गई है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट पर विद्युत तारों को भी देखा गया, जिसमें कुछ जगहों पर विद्युत लाइन अधिक नीचे झुकी पाई है। सीओ ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज त्याग को अधिक नीचे विद्युत लाइन के संबंध में विद्युत विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। यह है निगरानी, हम लोग चूंकि पर डे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से हम निगरानी इसलिए करवा रहे हैं ड्रोन से कि ताकि रमजान और रामनवमी के अंतर्गत हमारे यहाँ कई शोभा यात्राएं निकल रही हैं, उस लिहाज से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली के तार या किसी शरारती तत्व द्वारा अपने छतों पर कोई ऐसी उपद्रवी सामग्री ना रखी गई जिससे शोभा यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।